ब्रिटेन किसी भी कट्टरपंथी समूह को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत को खालिस्तानी आतंकियों का डाटा देगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के पीएम ने की भारत की तारीफ। खालिस्तानी तत्वों के बारे में भारत की चिंताओं पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज कहा कि ब्रिटेन अपने देश में एक्टिव और किसी दूसरे देश को निशाना बनाने वाले कट्टरपंथी समूह को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि हमारी साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की काफी संभावनाएं हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले पर भारत के रुख पर ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री से कहा कि आपको यह स्वीकार करना होगा कि बूचा में जो हुआ उसके खिलाफ भारत मजबूती से सामने आया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को लेकर जॉनसन ने कहा कि रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध है और हर कोई इसका सम्मान करता है। वहीं भारत में अधिकारों का हनन की खबरों के बारे में पूछे जाने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक महान लोकतंत्र है और यह संवैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह भारत के साथ दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच दोस्ती का एक बेहतरीन क्षण है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। औपचारिक स्वागत के बाद मीडिया से बात करते हुए जॉनसन ने कहा कि भारत के साथ संबंध इतने मजबूत कभी नहीं थे। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत समारोह में आयोजित करने के लिए गुजरात सरकार और लोगों का धन्यवाद दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण करने राजघाट पहुंचे थे।